ये सती माता गाइस। यो गाइस हाउ आर यू, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मैं तो सो ही रहा था, सोते सोते की रानी तेल लगाने लगी सिर में अचानक से। भाई साहब उठा दिया नींद से, बढ़िया तरीके से तेल भी लग गया, उठ भी गया, एवरीथिंग ऑल राइट गाइस। मैंने सोते सोते करण की केजी भाई सोते सोते मुझे जाग गया बेटा नींद जी माई गई। मैं सो ही रहा था गाइस, सोते सोते की लगी मालिश करने सिर में। इट्स ओपी गाइस, ओपी ओपी। गाइज आई एम अगेन रेडी फॉर द मंदिर। आज जा रहे हैं हम सती माता के। भाई साहब नानी जी मेरे को हर एक की धोख मरवा डालेंगे। टिक टिक टिक। ओ भाई सबकी, थोड़े दिन के लिए आया लड़का, सारे देवी देवताओं को कर देते हैं भाई साहब एक साथ ही। एंड इसका एक और लोचा है गाइस, सती माता का। घर से निकलेंगे साइलेंटली, वापस घर पे आने के बाद ही बोलेंगे। रास्ते में पैदल पैदल जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और ऊपर से नानी नानी जी है ना, पैदल पैदल और लेके चलती है बेटा, पैदल पैदल चलो। मैं कि चलो नानी जी। ये डॉक्टर वाली डायरी है जिसपे वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। एंड डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रीक वर्ड विच स्पेसिफाइज। इसका मतलब होता है गाइस कि मतलब डॉक्टर कुछ भी लिखे ना, मतलब डॉक्टर ऐसा कहना चाहता है इस वर्ड की मदद से कि ये भगवान जो भी मैं कुछ यहाँ पे लिखूँ वो पेशेंट के काम आए। ये ग्रीक वर्ड है। जैसे अपन अपने उसमें क्या लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, तो ग्रीक में लिखते हैं RX। समझेगा इस कुछ? समझे क्या? आपने कभी ध्यान दिया है? अगर ऐसे ना लिखा होना तो डॉक्टर खुद हाथ से लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन से पहले। नोटिस करना गाइस, अब से जो MBBS हिंदी में होगी ना गाइस, इंडिया में स्टार्ट होने वाली है हिंदी में भी, तो वो डॉक्टर्स हैं ना RX की जगह पे जय श्री राम लिखेंगे, उसके बाद अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दैट्स बेटर, अपना कल्चर भी प्रमोट हो रहा है हिंदी में MBBS। ओ भाई हिंदी में कैसे पढ़ लेंगे यार, मैंने तो 10th बड़ी मुश्किल से की थी हिंदी में। देखो कैसे प्यार से अपने बच्चों को दूध पिला रही है, सो स्वीट ऑफर। आय हाय देखो कैसे लिपटे हुए हैं गाइस दोनों के दोनों पिल्ले। पीलो पीलो पीलो, जस्ट इन्जॉय। नानी जी अपने फुल स्पीड में भागे जा रही गाइज, एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग नानी जी ब्लाइंडली। एंड मिट्टी ज़्यादा होने के कारण मेरी चप्पलों से मिट्टी उड़ उड़ के सारी पोलोथीन पे जहाँ पे जोत बत्ती थी सारा भर गया था, बिकॉज रास्ता तो कोई था नहीं, खेतों के बीच से जाना पड़ रहा था। एंड कुछ टाइम बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट होने के कारण पैरों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सारा मिट्टी मिट्टी हो गया था। एंड फाइनली वी रीच टू द सती माता। ये सती माता गाइज यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले झाड़ू निकालनी होती है, देन उसके बाद जोत बत्ती करनी होती है, देन धोख मारनी होती है। ये किसी के खेत में है। फाइनली चलो आ गई बस, फटाफट निकलता हूँ, मेरे को ये बस मिस नहीं करनी यार। ये नाकाबंदी किस बात की कर रखी है गाइस हमारे गांव में, पता नहीं। पांडवान में आया हो ट्रक ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। वेलकम टू पांडवान गाइस, वेलकम बैक। जिंदगी के सारे दुख एक साइड और मुंह के आगे से बस निकल जाने का दुख एक अलग लेवल का दुख होता है भाई साहब। मैं गाड़ी से उतरा, भाग की गाड़ी से उतरा, एंड मेरे हाथ में एक घी का डब्बा था, सामने से बस निकल गई भाई। ये मतलब लूज हो रहा मैं कि ये ना गिर जाए कहीं, और भाग भी नहीं पाया इसके चक्कर में, वरना मैं भाग के पकड़ लेता बस को। वो बस निकल गई भाई, इतना दुख हुआ ना मैं कि आए जिंदगी में करने क्या है, इतना इतना बुरा कटता है। एंड मम्मी जी का कॉल आता है, कहा है मैं कि बाड़ा, कहती है कि घी का डब्बा संभाल के रखियो। मैं कि घी जरूरी है कि बेटा, बेटे की बस निकल गई तुम्हें घी की बड़ी है? बोलती हाँ घी जरूरी है। धान काट भी लिए यहाँ पे लोगों ने, बस निकलवाने बाकी। हमारे खेत में भी धान थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो भान भी कर दिया भाई साहब। हमारे गाँव का ताजमहल दिख रहा है गाइस तुम्हें, दैट्स कॉल्ड ताजमहल ऑफ पांडवान। क्या बोलते हो भाई लोग, इसको बेच चले, इसका सौदा कर चलते हैं, रास्ते में ही 1000 रुपये किलो बेच देंगे, अपना थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। घर पे जाके कह देंगे मम्मी जी सॉरी गिर गया हमसे। आइडिया तो बढ़िया है, बट चप्पल जूते कौन खाएगा, मेरे को ही खाने पड़ेंगे। लगभग हर खेत वाले ने धान काट लेगा इस, एंड कुछ तो निकलवाने भी लगे। देखो वहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नमस्ते दादी जी, के करो था सो था के? हाँ आप पर मैंने मिल गया तो एक साधन में डायरेक्ट बाहर डाल गया, दादू लेट आओगे, बारिश आ गई थी, फिर मैं कि केट अटको नहीं कर दूँ। मामा कहते एक साधन मिल गया तो सीधे बाहर डाको, तो फिर मैं आ गई उसमें बैठ के। हाँ कह दियो मन दादे तई, कहीं बता तो दी पहले दादे ने फोन कौन उठाया, और मैं बस में बैठ रही उसके बाद फोन उठाया ना। दादा तो घर ही है वह चालू तो कौन है, हमारी धनों को गाइस पैक करके खड़ा कर रखा है। मैं बिल्कुल आराम आराम से चोरी चोरी जाने की कोशिश कर रहा था कि दादाजी कुछ पता न लगे। ओ शट भाई, बोतल लग गई गेट की आवाज़ हो गई। नमस्ते दद्दू पकड़े भैया, बोतल लागी ना कौन बेर बाटा आपने किस तो बेरो बाट गए थो तो आप तो सुत्या था तो मुड़ा की सुत्या था और बढ़ जा तो
अच्छा मैं शाम ना आऊंगे कहती आराम से मम्मी जी, बारिश में बचा दिया आपने। मैं तो इसे रोक काटूंगी मेरे राज में। गाइस ये हमारी मम्मी बड़ी गंदी है यार, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए हम। अब चेंज भी करवा रहे हैं हम, पर क्या पता अगले बार इससे भी हुंडी आ जाए तो हमें रात से हो जाता, तो हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। जस्ट पूछो हूँ, मेरी बस छूट गई थी गीगा ड्राम का चक्रा में ना, मैं बाज की पकड़ भी लू है गाड़ी में उतरो, मैं बाज की बस का अनजान लगा, इतनी बार में बस आगे निकल गई। अरे ब्लैक वाली पेंट ज़्यादा बढ़िया है उस पेंट के कंपेयर में, तो यह वाली रखूँगा और वाली में कोचिंग में रखूँगा। मैं भर्ती को ढूंढ रहा कि बस में है नहीं है, लड़का पीछे पीछे और का हेलो सर नाइस टू मीट यू। अरे रुक तो जा गाइस, इतना गंदा बच्चा, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, हेलो हाय भी नहीं की, बस भाग गया आगे। अच्छे से हेलो हाय करनी सिखाता हूँ तेरे को, इधर आ लात मार के। वो भी फिर यहाँ पे क्यों उतरे तू, जदा दिन बुला ला यार, इतने पेज क्या भर के ले जाते हो भाई तुम, इतने बोझ है भाई साहब, मैं मर लूंगा जाता जाता। ये दादाजी को बुलाने गया कि चलो दादाजी मैं अपने स्टॉप से पहले ही उतर लिया आज, और पटाखे ले आऊंगा तिल्लियों। अच्छा मम्मी जी पटाखे लाने की बात कर रहा है, क्या घर में कानून भी मेरा ही चलेगा, लेबर की। अच्छा अच्छा और की मैं मम्मी में देखिए तने पटाखे सरकार ने बंद कर दिए और चॉकलेट डॉक्टर ने बंद कर दी, तो मैं क्या दिवाली हजमोला खा के बनाऊं। प्रिंसिपल आयो बेटा, बढ़िया रंगोली बनाई तुम तारी क्लास में, पर बेटा का कर्स नहीं फोड़ते, बाद में हमने बोला सर करेक्ट कर्स नहीं फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ लेंगे बस, करेक्ट कर्स नहीं फोड़ते, वो गंदी बात होते है, पटाखे अच्छे होते है। अच्छा 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 बेटा जी, और कुछ देख रहे हो चट्टक बन रहे गाइस, हम भी ऐसे ही करते भाई, और रुक जा रहे। अरे वो चार्जर टूट गया गाइस, ये मिठाई खा लो यार, मेरे को पसंद नहीं इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। वो राजनीति से दूर रहना चाहिए। आंटी पता नहीं हम लोगों को मिठाई नहीं देते, फिर वो लोग सोन पापड़ी दे देते, उनको क्या पता हमको सोन पापड़ी अच्छी लगती है। फिर हमने शाम को सबके साथ मिलके खेला गाइस वॉलीबॉल, एंड काफ़ी ज़्यादा मजे आ गए बिकॉज काफ़ी दिनों बाद खेला था। आय हाय यार स्पोर्ट्स की एक फील ही अलग होती है, एक वाइब ही अलग होती है, पुर्जा पुर्जा बॉडी का मस्त रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हैप्पी मूड हो जाता है खेलने के बाद। सो आई प्रेफर कि सबको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए। इट्स वंडरफुल टू प्ले हेयर गाइज, एवरग्रीन स्कूल के पीछे खेल रहे थे सारे बच्चे, मज़ा आ गया भाई एकदम, काफ़ी दिनों के बाद खेले, इट्स अमेजिंग। तो ना सारी मिर्च खराब कर दी, टेस्ट खराब कर दिया गाइस, हम खाएंगे अभी दाल है हमारे चने की, मुंह पे खाया गया फिर कहीं और मार के चुप कराऊं, चुप दो मिनट, चुप एक मिनट गाइस, रात को गाइस रात को ना दही तो नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभी टेस्ट बनाने के लिए खा लेना चाहिए, हमारे चने की दाल है तो हम लोग दही खा ही लेते हैं। एंड न्यू सेटअप गाइस देखियो, गाइस लेट्स एंजॉय, इसमें काला नमक डालो, सीधा नमक डालो, जीरा भी डालो, जीरा भी। गाइस हम लोग अपना खाना खा रहे हैं, आप लोग भी अपना खाना खा लीजिए, बढ़िया से एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड कीजिए दिवाली में, हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस, कल छोटी दिवाली परसों बड़ी दिवाली, पटाखे लाएंगे नहीं लाएंगे गाइस, लाएंगे यार एक दिन दिवाली आती है बड़े बड़े पटाखे। प्रिंसिपल ने बोलो करेक्ट कर स्नीक फायर करना, अर्षित ने मैंने बोलो के करेक्ट कर कौन फोड़ा पटाखा फोड़ लिया। अच्छा अच्छा वाह 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 वाह, कल गाइस हमारे घर पे वो भी लगाएंगे, लड़ी भी लगाएंगे और पूरी लाइटिंग लाइटिंग बढ़िया बढ़िया कर देंगे। अभी बाय बाय, टाटा गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, टाटा बाय।